भाई लोग कई हुए कमेंट आ रहे थे ना, ओला एस वन एक्स मतलब खराब है शाम ये के टाइम वो। मिलेंगे पर हम 5:30 के बाद भाई, पर पापा का चेहरा देख लो, जो नए लोग हैं पुराने। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय व्लॉग। तो भाई आज संडे का दिन और हर घर तिरंगा के तहत 9 से 15 तारीख तक तिरंगा लगाने के लिए गवर्नमेंट जो हर साल कहती है, तो हम भी हर साल लगा रहे थे। तो इस साल अभी लगाना था, आज संडे था, पर आज वर्षा अति हो रही है, मतलब बारिश हो रही है बहुत। तो देखते हैं थोड़ी देर में लगाएंगे। बाकी ये कपड़े लाए थे दिल्ली से, वही वाले हैं। ये नीचे देख रहे होगे, अब ये वाली लोअर है और ये वाली टी शर्ट है, जो डीप शोल्डर कहते हैं भाई से, मैं भूल गया था उस दिन बताना। तो चलिए करते हैं ब्लॉग की शुरुआत और तिरंगा लगाते हैं थोड़ी देर बारिश रुकने के बाद। चलो सो भाई, ये बारिश देख सकते हो आप, कंटिन्यू ऐसी लगी हुई है कई देर से। तो तिरंगा लगाना था बट क्या करें, अब लगाएंगे फिर, बाकी थोड़ा रुकेगी तभी लगाएंगे, बाकी मौसम मस्त हो रखा ठंडा ठंडा। सो भाई यहाँ पे अपना तिरंगा निकल चुका है, जो कि पापा ने रखा था एक थैली के अंदर संभाल के अपना अलमारी में। कितने, दो हैं? हाँ, दो है। अच्छा जी, चलो देख लो जो अच्छा है। सीधा पकड़ो पहले, उल्टा है। रुक तो या उधर रहे तो। अच्छा उधर रहा, चेक ठीक है ना? हाँ, बढ़िया आ जाएगा। डंडा भी लेके आ चुके भाई पापा, इस बार थोड़ा पतला वाला डंडा लाए, क्योंकि मोटे वाले में क्या फट जाते हैं, तो इसमें अच्छे से आ जाएगा। तो भाई बारिश थोड़ी कम हो गई तो हमने लगा दिया तिरंगा, और छाता लेके चलते हैं बाकी फिर भी। तो अभी अच्छे से हमें छत पे लगा देंगे 15 अगस्त तक के लिए, फिर 16 अगस्त को निकालेंगे। सो बारिश के मौसम में सबसे मस्त यही लगते हैं, फूल कितने बढ़िया हो जाते हैं ना, हरियाली आ जाती है, और पहाड़ों में तो और ज़्यादा। सो भाई इस बार हमने यहाँ पे अब तारे लगा दिए ना कपड़े सुखाने के लिए, तो यहाँ पे मेरे हिसाब से अच्छे से आ जाएगा इस पर जो बना रखा है ना लोहे का। देखते हैं पापा लगाएंगे। छाता चाहिए? इतनी तेज तो नहीं हो रही बारिश, लग गया? और क्या। अच्छा जी, ये तो बहुत सही है, आसानी से लग गया। तो भाई भारत के 6 मेडल आ चुके हैं ओलंपिक में, जिसमें 3 झज्जर के खिलाड़ी ला रखे हैं, 2 तो मनु भाकर और 1 अपना अमित सहरावत भाई है। तो मतलब अच्छी बात है यार, मतलब भारत के मेडल आ रहे हैं। बाकी अब तिरंगा हम भी फहराते हैं यहाँ पे। है भारत माँ तेरी माटी, तेरा देश पहले, जीवन के सारे सुख पीछे है मेरा देश पहले, है तिरंगा शान अपनी। सो फाइनल लगा लिया भाई हमने अपने घर की छत पे तिरंगा, और आप सबसे भी अपील है कि आप भी लगाएं, ठीक है, हर घर तिरंगा के तहत। क्योंकि 9 से 15 तारीख तक के लिए मैसेज आ गया था फ़ोन में, तो आज संडे था तो आज छुट्टी थी मेरी, तो हमने भी आज ही लगाया। तो होप आप सब भी लगाएंगे, और 15 अगस्त के बाद 16 अगस्त को इसको निकाल के वापस सम्मान के साथ अपने जो जगह है घर पे वहाँ रख देना, जिस तरह हमने अलमारी में रखा हुआ था। सो ये बारिश तेज़ होती जा रही है धीरे धीरे, अब चलते हैं फटाफट, भीग गया हूँ यार थोड़ा बहुत मैं अभी। तो भाई बारिश के मौसम को मद्देनज़र रखते हुए मम्मी ने थोड़ा सा दिमाग लगाया, लगा लिया दिमाग आलू के पराठे बना दिए भाई, और क्या ही चाहिए ना, चाय और आलू के पराठे हो जाए बारिश के मौसम में, मौजा ही मौजा। तो इतने पराठे बनते हैं, इतने एक चर्चा कर लेते हैं भाई। लोग कईयों के कमेंट आ रहे थे ना, ओला एस वन एक्स मतलब ख़राब है ये वो है करके। फिलहाल तो मतलब कईयों के ऐसे आ गए थे कि मतलब कैसी चल रही है पूछ रहे थे, तो उसके बारे में भाई अभी मैं वैसे बता देता हूँ। बाकी 1 महीने बाद मैं इसकी प्रॉपर एक रिव्यू वीडियो डालूंगा, तो अभी तक तो भाई कोई दिक्कत नहीं आ रही है। देखिए जो कह रहे थे कि दिक्कत आती है, तो अभी हुए भी ऐसे 15 दिन ही है मेरे हिसाब से, तो 10-15 दिन में तो क्या ही दिक्कत आएगी नए व्हीकल में कोई, तो उनके ज़्यादा टाइम बाद आ रही होगी। अब वो मैं कह नहीं सकता आगे क्या है भाई, इन फ्यूचर में कैसी चलती है क्या नहीं, पर फिलहाल तो जैसी नई ली थी लाए थे बिल्कुल वैसी चल रही है, कोई कमी नहीं है। और कम से कम 100 की हमको लगा लो, 2 जने बैठ के जाते मम्मी और मैं पापा में कभी, तो 100 के करीब हमको वो दे दे रही है एक बार चार्ज में, फुल चार्ज में, मतलब क्या कहते हैं यार जो भी कहते हैं, एवरेज 100 किलोमीटर चल जा रही है 100% चार्ज में, तो मतलब ठीक है यार इलेक्ट्रिक अपने लिए फिलहाल ये। बाकी देखते हैं आगे कैसा रहता है रिस्पॉन्स, और 1 महीने बाद प्रॉपर रिव्यू वीडियो डालूंगा, आपको स्कूटी दिखाऊंगा कैसी है क्या है, फीचर भी बताएंगे, सब चीज़ें बताएंगे उसमें। तो आ चुका है भाई अपना नाश्ता प्लस लंच, यानी ब्रंच कहते हैं जो भी अंग्रेज लोग, तो अपना यही है पराठे आलू के और अचार, साथ में चाय बारिश के मौसम में, और क्या मोजे मोजे करते हैं अपना खाते हैं। इसके बाद आज आपको पापा का दिखाएंगे सेटअप अपना, जो फास्ट फूड का हमारा जो काम है ना, आज वही दिखाएंगे यार, बारिश का मौसम बाहर तो कहीं जा नहीं सकते, तो शाम को दिखाएंगे आपको क्या क्या बनाते हैं हम, क्या क्या बेचते हैं, क्या रेट है सब चीज़ें। तो भाई दूसरों का तो और कोई दिखाता है यार, अपना भी दिखाना चाहिए ना कि हम क्या क्या बनाते हैं, क्या क्या सेल करते हैं जो भी फास्ट फूड में, तो वो चीज़ दिखाएंगे यार शाम को आपको। A few inches later. तो उठाए हुए शाम के 7:30 और चलते हैं अपने कार्ट पे और दिखाते हैं आपको क्या क्या बनाते हैं हम, तो पापा क्या क्या बनाते हैं मतलब फास्ट फूड में, जिस तरह जो भी आइटम है हमारे
ठीक है। और क्या क्या मतलब क्या रेट है किसका क्या? तो भाई ये देख सकते हैं सामने, अभी ये हमारी कार्ट पंडित जी चाट भंडार करके, बाकी पापा भी बना रहे पकोड़े। तो पहले आपको वही दिखा दो पकोड़े, पकोड़े कैसे उतारते हैं। तो ये अपने पकोड़े कौन से हैं, ये मूंग दाल आलू, मूंग दाल आलू, साथ में बेसन भी मिक्स होता है भाई थोड़ा कहीं, क्योंकि कई बार क्या है ना खाली मूंग दाल के बनते नहीं है प्रॉपर अच्छे से, तो ये चीज़ बताना ज़रूरी है ना। बाकी पापा पकौड़े निकाल रहे हैं, देख सकते हैं अभी निकल के दिखाता हूँ कैसे होते हैं। बाकी हमारे पास बेसिकली जो मेन आइटम है ना, एक तो पकोड़े हैं, एक स्प्रिंग रोल है जो कि ऊपर है अभी दिखाता हूँ, और साथ में बर्गर, मीठी चटनी, हरी चटनी, मोमोज वाली चटनी, और म्योनीज होती है साथ में। म्योनीज तो यहाँ कम ही लेते हैं लोग भाई, यहाँ सब देसी आदमी है तो म्योनीज को प्रेफर करते नहीं लोग यहाँ। तो अभी गए कस्टमर और फिर से अपना पापा का पकौड़े बनाने का काम शुरू, और यहाँ अंकल जी भी खा रहे हैं। ठीक है अंकल जी, टेस्ट ओके है ना। तो बेसिकली अपने पास चार आइटम मिलेंगे आपको, बर्गर, पकौड़े, स्प्रिंग रोल, और चौथा है फ्रेंच फ्राइज, फिंगर चीज जो भी कहते हैं। तो फिंगर चीज वो सर्दियों में बनाते हैं सिर्फ, और जो तीन आइटम ये आपको सदा बाहर हमेशा ही मिलेंगे जब भी आप आओगे। और आना कहाँ पे है, ये बंद गेट सा बना हुआ है, चोपटा बाजार कहते हैं, भगत राम पंसारी थोड़ी सी आगे है, और इधर से दिल्ली गेट से अंदर 200-250 मीटर आना पड़ेगा बस। शाम के टाइम मिलेंगे पर हम 5:30 के बाद भाई। पर पापा का चेहरा देख लो, जो नए लोग हैं पुराने तो चलो जानते ही हैं। तो यहाँ पे आना और अपना भाई एक बार चेक करके जरूर जाना खा पी के। बाकी भी बर्गर बनवाता हूँ मैं, वो भी दिखाता हूँ कैसे बनाते हैं। बाकी रोल है अपने पे चौमिन वाला है, जो बेसिकली सब जगह मिलता है वैसा ही है, चटनी हमारी थोड़ी अलग होती है मोमोज वाली, तो वो ज़रूर टेस्ट करना जो भी आए ना, क्योंकि इसमें हम टमाटर पीस के डालते हैं, और कई लोग हैं जिस तरह उबाल के बनाते हैं चटनी, वो वाला सीन नहीं है अपना, कच्चे टमाटर पीस के मिर्च और ऐसे लहसुन जो भी होते हैं ये आइटम डालते हैं उसमें। रेडी हो रहा है भाई अपना बर्गर, तो ये अपना देसी स्टाइल फ्राइड बर्गर बन रहा है। और भाई मैं तो हरी लाल चटनी खाता हूँ वैसे मोमोज वाली, क्योंकि थोड़ी चटपटी ज़्यादा होती है, चटनी ऐसे ख़त्म भी हो गई यार लगभग, क्योंकि बर्गर भी ख़त्म होने वाले हैं, पकौड़े भी ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाले हैं, और रोल थोड़े से हैं अभी बस आ रहे हैं कस्टमर, धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगा ये। तो भाई ये फ्राइड बर्गर होते हैं जो करारे होते हैं, मस्त क्रिस्पी कहते हैं जो इंग्लिश में लोग, हम तो करारे ही कहते हैं। तो ये बन रहे हैं, दिखाता हूँ आपको क्या क्या डलेगा इसमें। तो ये आपको दोनों तरीके से मिल जाएंगे, प्याज लहसुन के साथ चाहिए तो इस तरह लहसुन चटनी में होता है, प्याज होता है, और नहीं चाहिए तो चटनी मत डलवाना और प्याज मत डलवाना, बाकी दोनों तरह के लोग खा सकते हैं मतलब। और रोल है हमारा उसमें लहसुन प्याज कुछ नहीं होता। तो भाई इसमें बेसिकली जो जो आइटम है देख सकते हो, पत्ता गोभी, हरी लाल मोमोज चटनी तीनों, प्याज हो गया, टिक्की हो गई अपनी, टिक्की है भाई, दो तरह के बर्गर है अपने पे, पनीर और सिंपल है। तो पनीर वाले में क्या क्या है, डबल टिक्की पनीर, इसमें डबल टिक्की, एक टिक्की और ऐड हो जाएगा, पनीर ऐड हो जाएगा, वो 30 रुपये का है और ये 20 रुपये का है। तो रेट की बात आएगी सारे ही बता दूँ, पकौड़े हमारे पास 200 रुपये किलो मिलेंगे। मिर्च का क्या रेट है, मिर्च का भाई वो भाव है मेन की जो मंडी के हिसाब से, अगर ज़्यादा महंगी मिले तो कई बार 10 की 1 वरना 10 की 2 है ना, पर कई बार 10 की 3 भी मिल सकती है तो अगर साइज छोटा है ना मिर्च का। बाकी रोल है अपने 20 रुपये पीस, 40 रुपये प्लेट, वही जो नॉर्मल हर जगह होते सदाबहार, हाँ मतलब रेट का हिसाब चलता है ना भाई मंडी का। और बर्गर इन्जॉय करते हैं अपना यार, मेरा तो रेगुलर ही है वैसे, तो आप भी आओ तो ज़रूर ट्राई करना एक बार। तो भाई रेडी दिखाया था आपको दोबारा से, ये है पंडित जी चाट भंडार, और ये रेट लिखे हैं ये तो बहुत पहले के लिखे हैं, बाकी अभी तक हमने ये मेंटेन करे हुए हैं, सोचो बढ़ाए नहीं है भाई रेट, 2018 में लिखवाए थे अभी तक वही चल रहे हैं सारे। तो भाई यहाँ पे गैंग वॉर छिड़ चुकी है देखो, अब मैं वीडियो बनाऊँ कैसे भाई इतनी आवाज़ में ना, ये दिक्कत आती है देखो, एक हो दो हो तो ठीक है, अब ये सामने वाली गली के आ गए और इधर से निकल के आए, अभी हो गया इनका शुरू। सो ये बर्गर तो निपटा दिया मैंने, अब अपना रोल का नंबर आ गया। तो बाकी मैंने जो चीज़ बताई आपको, लहसुन प्याज आपको किसी भी चीज़ में नहीं मिलेगा, ना पकौड़ी में, ना बर्गर में, ना रोल में, जैसे चटनी में है बेसिकली मतलब मोमोज वाली में, और प्याज किसी को अलग से डलवाना वही है। तो इसलिए ये चीज़ मैं दोबारा बताता हूँ कि लहसुन प्याज वाला कोई सीन नहीं है भाई, किसी को सब अलग अलग रखा हुआ है, जिसको जैसे चाहिए वैसे मिलेगा। और ये अपने रोल होते हैं जो कि चाउमीन वाले ही होते हैं, जो होते हैं हर जगह, अंदर चाउमीन फिल होती है, फिलिंग जो भी है, 20 रुपये का पीस है, और चटनी अपना जो डलवाना डलवाओ भाई साथ में। तो अभी रात के 9 बज रहे भाई, और अपना खाना पीना तो हो चुका है, बाकी दिखा दिया आपको क्या क्या बनाते हैं हम, और ये लोकेशन भी दिखाई दी आपको, ठीक है, दिल्ली गेट से अंदर 250-250 मीटर। बाकी भगत राम पंसारी की शॉप आज झज्जर में फेमस है, परचून की दुकान कहते हैं जो, तो उससे थोड़ा सी आगे इधर ये है, ठीक है। बाकी अभी 9 बज रहे हैं, तो देखो यार बाज़ार का कहीं पर भी ऐसा मेरे हिसाब से नहीं होता होगा 9 बजे, सुनसान हाल बिल्कुल, झज्जर में ही हो सकती हैं चीज़ें। अरे शेरू राह देख रहा है कब चलेंगे, फिर इसको बिस्किट भी खाने ना। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, इनके लिए बिस्किट अलग गिरने पड़ते हैं, इसके लिए अलग, वरना उनको भी नहीं खाने देता, इसको तो कोने में गिरो और छुप जा, छुपा दो इसको कहीं पे, वरना उनको भी नहीं खाने देगा। ओ भाई ओ वो भाई
रात के 10 और अपना आ चुके हैं घर पे। बाकी देखा होगा आपने जो भी आज मैंने आपको दिखाया कि हमारा जो कार्ट है उसमें क्या क्या हम बेचते हैं, क्या क्या सामान है, जो भी आइटम है सब दिखा दिया है। बाकी कभी आपको आना हो तो आप 5:30 बजे के बाद शाम को आ सकते हैं, वहाँ पे तो आपको आइटम मिलेंगे जो है बर्गर, पकौड़े, स्प्रिंग रोल और सर्दियों में साथ में फ्रेंच फ्राइज जो फिंगर चिप्स कहते हैं वो भी ऐड हो जाएगी। तो आज एक तरह से प्रमोशन सा भी लगा लो जो भी है कार्ट का। मैंने कहा यार बहुत टाइम हो गया, कभी मैंने दिखाया भी नहीं है, तो आज दिखाया था जो भी ऑडियंस है हमारी उनको। तो चलिए होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आई लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, मिलते जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टाटा बाय, टेक केयर। चलो बाकी डलवाना आपके ऊपर लहसुन प्याज के बिना ही बनवा सकते हैं बर्गर को जो नहीं खाते, और जो खाते हैं वो लहसुन प्याज। अरे यार ये हॉर्न।